यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हाईकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हिमाचल कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामिया पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। शनिवार को धर्मशाला में पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज निराधार रहे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की, लेकिन दिग्गज नेता जीएस बाली, पूर्व सांसद प्रदीप कुमारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य विपल व ठाकुर ने शिरकत नहीं की। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता भी भेजा गया था। बैठक में दो प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें कांगड़ा के संगठनात्मक जिलों के बंटवारे को खत्म कर चंबा कांगड़ा की एक ही लीडरशिप के बैनर तले लाने और दूसरा प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को लेकर काम करने पर सहमति बनाई थी। बैठक के वही बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र ने पार्टी के आंतरिक कलह को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी पार्टी प्रदेश में सबसे मजबूत है। वहीं बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धर्मशाला में कांग्रेस नेता जीएस बाली के आवास पर और करीबन वहां पर दो घंटे तक उन्होंने मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इसे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान बाली ने पूर्व मुख्यमंत्री से अपनी नाराजगी जाहिर की। जाहिर सी बात भी है, जब धर्मशाला में बैठक होने के बावजूद भी पूर्व परिवहन मंत्री बाली निराधार रहे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जाहिर होती है। वहीं वीरभद्र का बाली से आकर मिलना कहीं ना कहीं पार्टी में उनके रुतबे को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसका मतलब नहीं है कि सारी पार्टी में शिथिलता है। अधिकांश पार्टी का जो भारी बहुमत है वो इकट्ठे है, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इस चुनाव में आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस को विजय दिलाएं।